प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान सतर्कता क्वालिटी कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग संजय कुंडू ने हीरा नगर स्थित परिधि गृह में आबकारी एवं कराधान सतर्कता लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 301 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जुलाई माह तक 67 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में एकत्रित किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए नियत अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जीएसटी तथा आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत भी अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने को कहा गया। कारोबारियों तथा विशेषकर ठेकेदारी कार्य करने वाले लोग जो अपने रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बोटलिंग संयंत्रों में 2 महीने भीतर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर मुख्यालय से जोड़ने तथा इसकी निरंतर निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि शराब की तस्करी को रोका जा सके। सीएसटी कैंटीनों के बिकने वाली शराब के संबंध में भी नियमित तौर पर निगरानी रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण को बढ़ाने तथा डिफॉल्टरों से कर की निश्चित समय में वसूली करने को भी कहा गया। इसी प्रकार सतर्कता विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला में सेफ हाउस के निर्माण को लेकर भी सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि लोग इसमें समय पर सूचना दे सकें और केस से पहले ट्रायल और बयान आदि दर्ज किए जा सकें। इसके अतिरिक्त जिला में होने वाली सेना तथा अन्य बड़ी भर्तियों में विभाग को अपना उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी भेजने को कहा गया, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे विभिन्न प्रकार के मामलों में बेहतर व तेजी से तफ्तीश कर सकें। बैठक में लोक निर्माण विभाग तथा आईपीएच विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से प्रदेश में सड़कों तथा पेयजल योजनाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कों तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा निर्माणाधीन विकास कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करें। गुणवत्ता के साथ साथ कार्यों को समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी प्रकार आईपीएच तथा बिजली विभाग के अधिकारी भी निर्माणाधीन पेयजल सिंचाई योजना तथा विद्युत सब स्टेशनों के कार्यों को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का कहर अब बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र स्थित करियालक गांव में सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में 7 घर आए हैं और पहाड़ी के मलबे के साथ खिसकते हुए लगभग 500 फीट खाई में नीचे चले गए हैं। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों सहित स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लगभग 30 ग्रामीणों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया है, जबकि पालतू पशुओं को निकालने के रेस्क्यू जारी है। इस बात की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश के दौरान जोर से धमाका हुआ और पहाड़ी से सारा मलबे उनके मकान तक आ पहुंचा, जिसके बाद बमुश्किल स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। आपको बता दें कि इन 7 मकानों की जमीनें मकानों सहित खिसक कर लगभग 400 से 500 मीटर नीचे तक चली गई हैं। विधायक घुमारवी राजेंद्र गर्ग प्रशासन सहित मौके पर पहुंचे और 40,000 की राहत राशि पीड़ितों प्रदान की और साथ ही बेघर हुए 7 परिवारों के ठहरने की व्यवस्था भी की। बिलासपुर जिला के घुमारवी हलके की मेहरी कातला पंचायत का एक जोखिम भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें लुहणु छपरो गांव के लोग सड़क की कमी के चलते बरसाती नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले
25 सालों से सड़क की मांग पूरी न होने और ग्रामीणों को सड़क सुविधा से महरूम होने का नतीजा ये रहा कि गांव में किसी के भी बीमार होने पर ग्रामीण उसे मंजे पर लिटाकर अपने कंधों के सहारे खड्ड पार करते हैं। यही नहीं, पिछले दो दिनों से प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां ये खड्ड बरसाती नाले से भर गया है, तो वहीं अब ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर खड्ड पार करनी पड़ रही है। वहीं इस समस्या के संबंध में जब बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान से पूछा गया, तो उन्होंने सड़क सुविधा से महरूम गाँव में जल्द ही एम्बुलेंस सड़क सुविधा शुरू करने की बात कही। हमीरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी में एक दिवसीय किसान मेला स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मेले का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण हमीरपुर द्वारा किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी खंडों से 400 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है, जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों के साथ इस खेती की विधि को किसानों तक ले जाया जा रहा है। किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के अंदर व बाहर भ्रमण व गोष्ठियों के माध्यम से जिला हमीरपुर में प्राकृतिक खेती के मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए का अधिकतम गौशाला फर्श व गौमूत्र इकट्ठा करने के गड्ढे के लिए 8,000 रुपए तथा ड्रम लेने के लिए 2,250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान किया जा रहा है। परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की खेती लागत घटाने, जहर मुक्त फसल उगाने तथा आय को दोगुना करने हेतु ही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नामक योजना शुरू की है। इसमें जिला हमीरपुर में 977 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके परिणाम किसानों के खेतों में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लोगों के रुझानों से पता चलता है कि सभी किसान जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं। आत्मा हमीरपुर द्वारा लगभग 4,000 किसानों को 31 मार्च 2020 तक जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।